बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में 5 कत्ल, 3 बेटियों और माँ का गला काटकर बाप को फांसी दे दी। इमरान, बीवी रुखसाना, बेटियाँ 7 साल हानिया, 5 साल हुसना और 3 साल फेबा की लाशें घर के एक ही कमरे से बरामद हुईं। इलाके में खौफो हरास, वारदात के बारे में मुख्तलिफ कयास रहियाँ। फ्रांसिक शोहर जमा जल्द हकायक बताएंगे पुलिस। तफसीलात के मुताबिक ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद को घर के अंदर कत्ल कर दिया गया। खातून और 3 बच्चों को बेदर्दी से गला काटकर कत्ल किया गया, जबकि मर्द की लाश छत से झूल रही थी। इलाके में खौफो हरास फैल गया और वारदात के बारे में मुख्तलिफ क्यासराइयाँ जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक अलीपुर शहर के गुंजान आबाद इलाके मोहल्ला मस्तोई वाला में इमरान, उसकी बीवी रुखसाना और 3 बेटियों 7 साल हानिया, 5 साल हुसना और 3 साल फेबा की लाशें उनके घर से बरामद हुईं। खातून और 3 कमसन बच्चियों का छुरी से गला काटा गया, जबकि इमरान की लाश घर की छत से झूल रही थी और उसके हाथ बंधे हुए थे। इत्तला मिलने पर DSP मुनव्वर बुज़दार पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू टीम भी जाए वारदात पर पहुंच गई। शवाए जमा करने के लिए डेरा गाजी खान से फ्रांसिक टीम को बुलाया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक इमरान ने खुद अपनी बेटियों और बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की है। ताहम बाज़ ज़राए कह रहे हैं कि इमरान, उसकी बीवी और बेटियों को कत्ल किया गया है और कत्ल की वारदात को छुपाने के लिए इमरान की लाश को छत से लटका दिया गया और उसके हाथ भी बंधे हुए थे। पुलिस का कहना है कि अफसोसनाक वाक्य की हर पहलू से तफ्तीश कर रहे हैं, जल्द हकायक सामने लाएंगे।